वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने आवास से कोविड प्रबंधन, जिसमें विशेष रूप से चिकित्सालयों में बेड, ऑक्सीजन व जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता तथा पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की स्थिति, प्रवासी कामगारों के लिए की गई व्यवस्था, स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन, कोरोना कर्फ्यू, कंटेनमेंट जोन, मास्क की अनिवार्यता की स्थिति सहित अन्य बिंदुओं की समीक्षा की। गोरखपुर के आयुक्त सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एडीजी जोन अखिल कुमार, मंडलायुक्त जयंत नलिकर, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यान, एसएसपी दिनेश कुमार पी, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, नगर आयुक्त अविनाश सिंह, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड प्रबंधन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि होम आइसोलेशन के मरीजों को समय से मेडिकल किट उपलब्ध कराया जाए, निगरानी समिति लगाकर लोगों की निगरानी करे, जिससे कोरोना पर प्रभावी लगाव लगाया जा सके। हम लोग सरकारी अस्पताल हमारे यहाँ पे कम है सर, मेडिकल कॉलेज और एक माने काशीराम हॉस्पिटल ही था सर, उनका पूरा जो है हम लोगों ने अक्वायर कर लिया था सर। और उनका पूरा डॉक्टर का टीम, नर्स का टीम भी जो है, जितने भी पेशेंट्स हम लोगों ने भेजते रहे सर, आई की पद से भेजते रहे या बाद में उनको अनुमति दिया गया कि डायरेक्टली वो 90% एडमिट करा सकते हैं। चाइना हॉस्पिटल, रीजेंसी, इन सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया सर। इनको एडमिशन के साथ उनका कंटिन्यूसली ले रहा समझ में सर। बहुत ज़्यादा हम लोग का ये नहीं रहा कि प्रेशर की जो कैजुअलिटी इसमें से जो बता रहा है और एंटीजन से 0.3%, मतलब बहुत कम लोग हैं जो एंटीजन से पकड़ा रहे हैं, कर लेते हैं और 600 से 700 एंटीजन कर रहे हैं, काफ़ी कम हैं। आरटीपीसीआर, एंटीजन और ट्रूनेट को मिलाकर के 5,000 से कम टेस्ट होने ही नहीं चाहिए। ये पश्चिम के जनपदों की तुलना में आपको बताया सर, और नहीं राज्य के अंदर और भी तमाम जनपद हैं जिनकी पॉजिटिविटी आपके जनपद से कम है, लेकिन पश्चिमी जनपदों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों की तुलना में हम देखेंगे तो उनकी तुलना में ये कम है, लेकिन टेस्ट बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो 21 केस है और हमारे 40 आरआरटी वर्क कर रहे हैं। कितने दिन के अंदर ऐसे लोगों के टेस्ट हो जाते हैं? ये जो ग्रामीण एरिया में सर, हमारे आजकल ज्यादातर टेस्ट है जो सर सारे ग्रामीण एरिया में ही हो रहे हैं। जो ये 1600 है, 1600 में सर 1400 टेस्ट होंगे ग्रामीण एरिया के ही होंगे। जिलाधिकारी का टिप्पण, उन लोगों को या उनके साथ संपर्क में आए हुए लोगों को एक खैरात बांटने के लिए नहीं है, उन लोगों को हम दवा दें जिन्हें निगरानी समिति चिन्हित करे और निगरानी समिति के हाथों ही उनको ये दवा बांटनी चाहिए, दवा मिल जानी चाहिए, क्योंकि टेस्ट में 24 घंटे 36 घंटे लग सकते हैं। अगर हम उसी समय उन लोगों को मेडिसिन किट उपलब्ध करवा दें तो वे अपना उपचार शुरू कर देंगे इधर 24 घंटे के अंदर आरआरटी की टीम भेज करके वहां पर और उनका टेस्ट करवाइए। सर ये भी कम है उसमें पॉजिटिव, उनको निगरानी समिति पहले तय कर दे, अगर किसी व्यक्ति में लक्षण हैं और ये कंफर्म नहीं है कि कोविड पॉजिटिव है या नहीं है, लक्षण के आधार पर ही या संदिग्ध व्यक्तियों को मेडिसिन किट उपलब्ध करा करके होम आइसोलेट करने या वहाँ के जिले के अंदर गांव के अंदर ही उसे क्वारंटीन सेंटर बनवा करके ग्राम पंचायत के माध्यम से बना करके उसको वहाँ पे क्वारंटीन में रहने की व्यवस्था हो, अगर घर में उसको सेपरेट रहने की व्यवस्था नहीं है तो। लेकिन अगर आप इसको लेट करेंगे तो नहीं नियंत्रण में कर पाएंगे। कम से कम 8,000 टेस्ट होने चाहिए।